तस्वीरों में देख सकते हैं आप जो है एक बुजुर्ग के द्वारा तेजीर पुनिया का सातरोड़ गांव के अंदर पगड़ी के साथ जो उनका मान सम्मान किया गया है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से तेजीर पुनिया का पगड़ी के साथ मान सम्मान किया गया। सबसे पहले तो मेरे सातरोड़ खुर्द और खास के मेरे अपने गाँव सातरोड़ खास खुर्द को भाई मैं अपना अपना गाँव मानता हूँ। मेरे चाचे ताऊ मेरे युवा साथी सबसे पहले तो आपने मेरे को गांव में पहुंचने पर इतना मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज पहले भी मैं दो बार अपने गांव में मोटा मोटी डोर टू डोर करके गया हूँ, सभी से मिल के गया हूँ। आज फिर मेरा मन था मैं एक बार फिर अपने गांव में चलें, सभी साथियों से रूबरू हो, सभी से मिलें। आज का विशेष मकसद ये है 22 तारीख को लोकप्रिय सांसद श्री जयप्रकाश जी और रोहतक से सांसद हमारे नेता आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हिसार जिले के स्थानीय नेतागण बरवाड़ा हल्के की पदयात्रा करेंगे बरवाड़ा शहर में। एक तो उसका निमंत्रण देना हूँ आप सभी को। आज के दिन पदयात्रा जो दीपेंद्र जी ने पदयात्रा शुरू की है 33 हल्के कर दिए, उसमें उस पदयात्रा ने प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम किया है। आज हर आदमी चाहे युवा हो चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो चाहे गरीब आदमी हो चाहे किसान हो, हर आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ एक आस के रूप में देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसका भी कारण ये है कि 10 साल पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के शासनकाल में अनेक विकास कार्य किए, हर बिरादरी के लिए काम किए, उनकी तुलना इब जो 10 साल का बीजेपी का राज है उनसे तुलना कर लेना कि आपको ये पता चल जाएगा, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज कैसा रहा। आज उसी उम्मीद से सारा हरियाणा, बरवाड़ा हल्का ही नहीं सारा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है कि ये दोबारा हरियाणा की बागडोर संभाले और मुख्यमंत्री बनके हरियाणा की सेवा करे और हरियाणा को जिस तरह पहले प्रति व्यक्ति आय में हमारा हरियाणा एक नंबर पर था, आज प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति बेरोजगारी में, सबसे बेरोजगारी में हमें देश में एक नंबर पर हाँ भाई बेरोजगारी में, कहां पर हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में एक नंबर पर था, आज हम बेरोजगारी में एक नंबर पर थे। और सभी हमारे जो सीनियर नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी है, लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र भाई है, आदरणीय यहां से जुझारू सांसद संग्रहशील सांसद श्री जयप्रकाश जी है, इन सब ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी ने एक
संकल्प पत्र भी तैयार किया है। जैसे कांग्रेस का राज आता है उसमें सबसे पहले 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करी जाएगी और गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, 3.5 लाख रुपये उनको बनाने के लिए दिए जाएंगे, 2 लाख जो ये मेरे युवा साथी हैं इनके लिए खाली पद पड़े हैं उनको योग्यता के आधार पर 2 लाख पक्की नौकरी दी जाएगी, न कि बीजेपी की तरह कच्ची नौकरी जैसे इन्होंने पोर्टल से कर रखा कौशल से। इसमें ना कोई रिजर्वेशन है, कुछ भी नहीं है, SC का रिजर्वेशन नहीं है, BC का रिजर्वेशन नहीं है, जर्नल का नहीं है। और जो मेरे किसान भाई है उनको MSP का देने का वादा किया है। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री, ये ऐसी कई स्कीमें हैं जो कांग्रेस पार्टी का राज बनने के बाद हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे लागू करेंगे। साथियों, मैं तो एक अपने गांव में, क्यों 7 रोड को मैं अपना गांव मानता हूं, अपने गांव में अपने चाचे ताऊ अपने भाइयों से मिलने आया हूं। और बातें जो हमारे नेता है, लोकप्रिय सांसद है, जो करोड़ों युवा दिलों की धड़कन है, जिनमें एक युवा ही नहीं कर्मचारी भी किसान भी गरीब आदमी भी उनकी तरफ देखता है और वो जनहित के मुद्दे उठा करके बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। इस यात्रा का नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। भाई 10 साल में आपने क्या किया हमने हिसाब दो भाई, अरे हमने के करा 10 साल में वोट उठाओ मारा भाई, तुलना कर लो कौन सा राज अच्छा था। किसी की कहने की जरूरत नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी भी वर्ग को खाली नहीं छोड़ा, चाहे गरीब आदमी हो। केस कला बोर्ड का चेयरमैन पहले नहीं बनाते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। अपने माटी कला बोर्ड का चेयरमैन ये एक बोर्ड बनाया, उस समाज को प्रतिनिधित्व दिया, हर समाज के लिए किया, 36 बिरादरी के लिए। तो एक बार फिर मैं मेरे चाचे ताऊ मेरे भाइयों का, मेरे को इतना मान सम्मान दिया आपका, एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इतना मान सम्मान किया। कभी भगवान ने मौका दिया तो मैं ये कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।